ये कहानी है गुणी राम की। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी फैक्ट्री बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। गुणी राम की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। उसकी 10 साल की एक दिव्यांग बेटी थी गीता। पहले भी किसी तरह ही उसके घर का गुजारा चलता था, ऊपर से उसकी नौकरी चली गई तो जीवन चलाना और भी कठिन हो गया। हालांकि नौकरी चले जाने की बात उसने गीता को नहीं बताई थी। वो हर दिन तय समय पर पहले की ही तरह घर से निकल जाता और शाम को लौटता। गीता, गीता, गीता बैसाखी के सहारे चलती हुई बाहर आती है। अरे बाबा, आप आ गए फैक्ट्री से? हाँ बेटा, आ तो गया, लेकिन आज भी मैं तेरी जलेबी लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं बाबा, कल ले आना। कल नहीं, 2-4 दिन बाद फैक्ट्री में दिवाली का बोनस मिलने वाला है। जिस दिन मिलेगा उसी दिन तेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और जलेबी दोनों लेता आऊंगा। गीता को पता था कि उसके लिए ना तो जलेबी आएंगी और ना ही फ्रॉक। उसके पिताजी को कोई बोनस वोनस नहीं मिलने वाला। उसे ये भी पता था कि उसके पिता की नौकरी चली गई है। वो दिन भर कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो 2 पैसे हाथ आते हैं और 2 वक्त की रोटी किसी तरह नसीब होती है। किसी दिन दिहाड़ी नहीं मिलती है तो उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ता है। देखते देखते दिवाली भी आ गई। हर ओर कितनी भीड़ है, सभी कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। एक मैं हूँ जो बेटी के लिए जलेबी भी खरीद कर नहीं ले जा सकता। गुणी राम ये सब सोचता सड़क पर चला जा रहा था, तभी एक बड़े से कपड़े की दुकान के बाहर खड़े पुतले पर उसकी नजर गई। उसने बहुत अच्छी फ्रॉक पहन रखी थी। वो उस फ्रॉक को गौर से देख ही रहा था कि दुकान के अंदर से दुकान का सेठ बाहर आया और उससे पूछा, ओए तू क्या घूर रहा है यहाँ? चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? तू तो शक्ल से ही चोर लगता है। अरे नहीं साहब, मैं तो बस अपनी बिटिया के लिए ये फ्रॉक देख रहा था। कितने की है ये? तेरे औकात के बाहर की है, चल जा अब यहाँ से। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। औकात के बाहर? गुणी राम के कानों में ये शब्द पूरे दिन गूंजता रहा। उस दिन गुणी राम सारा दिन दिहाड़ी की तलाश में भी रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसके जेब में सिर्फ 5 रुपए बचे थे। आज भी कोई काम नहीं मिला मुझे, जेब में सिर्फ 5 ही रुपए बचे हैं। घर में राशन भी 2 ही दिन का बचा होगा। हे ऊपर वाले, क्यों तू हमारी औकात के बाहर दुख हमारी किस्मत में लिख देता है। उदास मन से वो घर पहुंचा। गीता उसी का इंतजार कर रही थी। क्या बात है बाबा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं है, वो पेट में बहुत दर्द है। मैं सो जाता हूँ, आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। गीता को पता था कि उसके पिता के पेट में कोई दर्द नहीं है। जब भी उन्हें दिहाड़ी पर काम नहीं मिलता वो भूखे सो जाते ताकि राशन एक दिन और अधिक चल सके। कई बार उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि वो खुद भूखे रह जाते, लेकिन गीता को कभी भूखे नहीं रहने दिया। अगले दिन दिवाली थी। गुणी राम सुबह सुबह घर से निकल गया। उसके जाने के बाद गीता पास वाले लक्ष्मी मंदिर में गई। माँ देख, आज दिवाली है, लेकिन मेरे पास ना तो दिया है ना बाती, फिर भी मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। तू तो पूरी दुनिया की माँ है ना, फिर क्यों मेरे पापा को तू नहीं देखती? मैं तुझसे लाखों रुपए नहीं मांगती, लेकिन 2 रोटी की उम्मीद तो तुझसे कर सकती हूँ। कल रात भी मेरे पापा बिना खाए सो गए, उन्हें कुछ हो गया तो क्या? माँ तू ऐसे ही दुनिया चलाती है? तूने मेरी माँ को छीन लिया, मैंने कुछ नहीं किया। तूने पूरी जिंदगी मेरी किस्मत पे बैसाखी लिख दी, मैं चुप रही, लेकिन मेरे पापा को तू दुख देगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं लड़ूंगी तुमसे, खूब लड़ूंगी। माँ मेरे पापा पर दया कर, उन्हें काम दिला दे माँ, उन्हें काम दिला दे माँ। आज दिवाली है और मेरे हाथ
पूरी तरह खाली है। आज कम से कम इतने पैसे मिल जाए कि गीता के लिए जलेबी तो लेकर चला जाऊं। गुणीराम ये सब सोचते हुए उसी बड़े से कपड़े की दुकान के पास से गुजर रहा था। आज भी उसकी नजर उसी फ्रॉक पर थी। तभी दुकान का सेठ उसे बाहर निकलता दिखाई दिया। उसे देखकर वो डर गया, लेकिन आज सेठ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर निकल गया। वो इतनी हड़बड़ी में था कि उसके हाथ से एक काले रंग का बैग जमीन पर गिर गया। गुणीराम ने इधर उधर देखा और उस बैग को उठाकर खोला। उसमें पैसे भरे हुए थे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। गीता के लिए एक फ्रॉक तो क्या, कई सारे कपड़े ले सकता हूँ, ढेर सारी जलेबियाँ और मिठाइयाँ भी। गुणीराम खुश तो था, लेकिन उसके मन में कई सारे सवाल भी चल रहे थे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो उस सेठ के हैं। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे रखे हों। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी इन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं ये बैग उस सेठ को वापस कर दूंगा। ये सोचकर गुणीराम उस दिशा में बैग लेकर भागा जिधर सेठ की कार गई थी। लेकिन सेठ की कार तो दूर दूर तक उसे नजर नहीं आई। वो परेशान हो गया। वो फिर से सेठ की दुकान पर गया, लेकिन ये क्या, उनकी दुकान भी बंद हो गई थी। आज सेठ की दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो गई? आज तो दिवाली। उसने बगल की दुकान से पता करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। वो बैग लेकर वहाँ से निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे सेठ की कार पार्किंग में लगी दिखी। अरे ये तो सेठ जी की कार है, वो जरूर यहीं कहीं होंगे। चलो मेरी मुसीबत दूर हुई। ये बैग उन्हें वापस करूंगा और फिर जिम्मेदारी से मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर सेठ जी पर पड़ी। वो सामने के अस्पताल के बाहर बदहवास से रोए जा रहे थे। उनके साथ एक औरत भी थी, वो भी फूट फूट कर रो रही थी। वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा। उसे लगा वो पैसों के लिए रो रहे होंगे। सेठ जी, सेठ जी, आप लोग इस बैग के लिए रो रहे हैं ना? देखिए, आप मुझे चोर नहीं समझिएगा। मैंने ये बैग चोरी नहीं किया। आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी में बाहर निकले तो ये बैग गिर गया था। गुणीराम के हाथों में पैसों का बैग और उसकी बात सुनकर सेठ जी सन्न रह गए। हम पैसों के लिए नहीं रो रहे हैं। जानते हो, हमारे इकलौते बेटे का आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। हम दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं किया। एक आदमी ब्लड देने को राजी तो हुआ, लेकिन बदले में बहुत सारे रुपए मांगे। ये रुपए उसी को देने के लिए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि रुपयों से भरा ये बैग है ही नहीं। वो आदमी भी बिना पैसे लिए ब्लड देने को तैयार नहीं हुआ और यहाँ से कहीं चला गया। गुणीराम की आंखें उन लोगों की बातें सुनकर भर आईं। सेठ जी, मैं दूंगा आपके बेटे को ब्लड। आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए, क्या पता मुझसे उसका ब्लड ग्रुप मिल जाए। गुणीराम का ब्लड ग्रुप सेठ जी के बेटे से मिल गया। उसने एक यूनिट ब्लड दिया और सेठ जी के बेटे की हालत में तेजी से सुधार होने लगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुम्हारा एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जितने रुपए हैं, वो सब तुम्हारे हैं, तुम ले लो। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? जान बचाने वाला ऊपर वाला है, मैं नहीं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर मैंने आपसे ये पैसे ले लिए तो कल ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। सेठ जी को वो दिन याद आया जब उन्होंने इसे चोर कहकर अपनी दुकान से भगा दिया था। आत्मग्लानी से भरे हुए सेठ जी उसके पैरों में गिर पड़े। तुम मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा था। सेठ जी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। गुणीराम वहाँ से वापस घर की ओर लौट पड़ा।
शाम हो चुकी थी। लोग घरों के बाहर दीपक जला रहे थे, कुछ बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे थे। गुणीराम उन्हें देखता हुआ आंखों में आंसू लिए अपने घर के बाहर पहुंचा। लेकिन ये क्या, उसका पूरा घर दीपों से भरा हुआ था। रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी। उसकी बेटी गीता ने वही फ्रॉक पहन रखी थी जो उसने उस सेठ की दुकान में देखी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तभी उसकी बेटी उसके पास आई। बाबा बाबा, ये देखो मेरी नई फ्रॉक कितनी सुंदर है ना, आज मैंने भरपेट जलेबी भी खाई है। बाबा आज मैं बहुत खुश हूँ, लक्ष्मी माता ने मेरी सब मन्नत पूरी कर दी। बाबा आज तुम्हें नई नौकरी मिली है ना? नौकरी? तभी पीछे से सेठ जी और उसकी पत्नी गुणीराम के पास आते हैं। सेठ जी, आप? अच्छा, तो ये सब आपने किया है, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? कोई किसी पर एहसान नहीं करता, सब ऊपर वाला करता है। वैसे तुम मेरे यहाँ नौकरी तो करोगे ना? बिल्कुल करूंगा सेठ जी, बिल्कुल करूंगा।